और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समाज में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाला बताया है। इस कड़ी में आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद बेटियों को नए अवसर मुहैया कराना, लोगों में जागरूकता लाना, असमानता दूर करने समेत उनके सभी अधिकारों की सुरक्षा करना है। इस साल राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सरकार के निरंतर प्रयासों के साथ एक संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने में सफल रहा है। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस की वर्षगांठ के मौके पर ये बात कही। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मेनका गांधी ने 5 राज्यों और 25 जिलों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित भी किया। 4 years ago, the Honorable Prime Minister gave us this program to design. I was really quite scared because this is not a simple program of distribution of cycles, distribution of something or the other. It involves an entire social transformation. And a social transformation of an evil that has been with us for the last how many thousand years. So how would we be able to do it? केंद्र सरकार लड़कियों की कम शिक्षा और लिंग अनुपात के मामले को लेकर संवेदनशील रही है। सरकार ने इसके तहत 21 से 26 जनवरी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह का आयोजन किया है, जिससे बेहतर कल के लिए लड़कियों का सशक्तिकरण का नारा दिया गया। समाज में एक बड़े बदलाव का काम कर रहे इस अभियान के तहत लड़कियों को हर मामले में ज्यादा से ज्यादा सहयोग और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। I am standing in front of you as proud as can be because I one fad destroyed it is a well claps on me by taking charge of my life. I called up Tiruvannamalai district collector's office on 4-7-2070 the evening before of my wedding day and informed about my marriage. The collector social welfare officers headed by the team of revenue and police officials came for my rescue. We are advocating gender equality and empowerment of women, and with the widespread advocacy of Beti Bachao Beti Parao in Wokha district, I can say with conviction that our Lotha community in particular and Nakas in general are now more receptive to positive change. दरअसल हमारे समाज में लंबे अरसे से लड़कियों को अनेक क्षेत्रों में पक्षपात का सामना करना पड़ा है। कई मामलों में भेदभाव से उनका जीवन हाशिए पर डाल दिया जाता है। ये गर्व की बात है कि जब हमारी सरकार आई थी 2014 में, तो उस समय जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही कम था, 800 कुछ था, और नीचे ही चलते जा रहा था। अब प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम जो बनाया था और हम लोगों ने जो इसको इम्प्लीमेंट किया था, इसका नतीजा ये हुआ है कि अब हम छोड़ रहे हैं एट 927 पर 1000, विच इज़ एन एक्सलेंट टर्न अराउंड। आई कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट एंड एवरी ऑफिसर हु हैज टेकन पार्ट इन दिस, एंड ऑफ कोर्स आई कंग्रेचुलेट द पीपल ऑफ इंडिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। हरियाणा के ही शहर पानीपत में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। कहने को तो ये एक सामाजिक सुधार की योजना थी, लेकिन इस पर अमल करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का दुरुस्त होना जरूरी था। इसके लिए भी गांव में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को जागरूक बनाया गया। इसके परिणाम भी देखने को मिले। आज बालिका जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या राजनीति, घर हो या फिर विज्ञान से लेकर उद्योग, सभी क्षेत्रों में लड़कियां समान रूप से भागीदारी कर रही हैं। देश की बेटियों ने अपने हौसलों से हर मुश्किलों को आसान किया है। बेटा बेटी एक समान, बेटियों को पढ़ाने से देश बनेगा महान। जी हां, इसी नारे के साथ केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसने पूरे देश में रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। दिल्ली से कैमरामैन सुधीर के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी।